अब क्या होगा, C6H5 उसके बदले लिख दिया बेंजीन के बदले, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया, नेगेटिवली चार्ज रहेगा इस पर, इधर जो है Cl दिखा दिए और इधर हम दिखा देंगे ये नाइट्रोजन को जोड़ दिया, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, आया समझ में। अब क्या होगा, ये वापस फिर जाएगा, ये निकल जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए इसको यहाँ ऐसे खींच लेगा, ठीक है, समझ गया ना। तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, HCl बन जाएगा और यहाँ पर फिर वापस डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। हैं, ये जो होता है ना SO2NH2, इसको बोलते हैं सल्फोनामाइड, ये जो है ना इसको बोलते हैं सल्फोनामाइड, इसको क्या बोलते हैं सल्फोनामाइड, इट इज कॉल्ड सल्फोनामाइड। CONH2 रहता है अमाइड बोलते हैं ना, तो SO2NH2 को हम लोग बोलते हैं सल्फोनामाइड ग्रुप। ये सल्फोनामाइड है कि नहीं, सल्फोनामाइड में ये मिथाइल एक आ गया, एक H को हटा करके यहाँ मिथाइल ग्रुप आ गया, तो मिथाइल सल्फोनामाइड हो गया, ठीक है। आया बस उनमें, या हम लिख सकते हैं एन मिथाइल, एन से ही जुड़ा हुआ है, एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन है ना, एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फोनामाइड। और इससे जब इधर बेंजीन रिंग जोड़ देंगे तो बेंजीन सल्फोनामाइड होगा, यहाँ अल्काइल कोई ग्रुप रहेगा, मान लो इथाइल रहेगा तो इथाइल सल्फोनामाइड होगा, मिथाइल रहेगा तो मिथाइल सल्फोनामाइड रहेगा, बेंजीन रिंग है तो बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, आगे समझ में। अब देखो कि इस नाइट्रोजन के ऊपर ये जो है ना एक H है कि नहीं, ये सॉल्युबल इन NaOH है, सॉल्युबल इन NaOH और KOH, यानी अल्कली में ये सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि ये H प्लस रिलीज करता है एसिडिक, ये जो हाइड्रोजन इज अवेलेबल है ना इसके चलते इसमें एसिडिक बिहेवियर है ना, इसमें एसिडिक बिहेवियर है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन H प्लस रिलीज करता है कि नहीं, H प्लस क्यों रिलीज करता है, क्योंकि जो सल्फोनामाइड ग्रुप होता है ना SO2, ये जो SO2 है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, ये ऐसे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे दूर भागेगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ के खींच लेगा, यहाँ पर इस बॉन्ड को ऐसे खींच दिया के तोड़ लेगा और H प्लस रिलीज हो जाएगा, ठीक है, जो H प्लस रिलीज करे वो एसिडिक, ये H प्लस क्या करेगा NaOH से कंबाइन करेगा, इसके OH को हटा देगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, आया समझ में, हाँ, और सोडियम या पोटेशियम आ जाएगा यहाँ, तो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा,
ठीक है, तो डिजॉल्व हो गया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। डिजॉल्व होने का मतलब है कि सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आसानी से ये रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि इसमें एक एच प्लस रिलीज होने का कैपेसिटी है। उसका मेन रीजन है कि ये जो SO2 ग्रुप है ना, सल्फोनामाइड ग्रुप जो है, ये इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। ये जो SO2 ग्रुप है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। ये इधर शिफ्ट हो सकता है, ये भी इधर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो सल्फर जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो इसको खींच लेगा इधर, एच प्लस रिलीज हो जाएगा। तो इसीलिए जब प्राइमरी अमाइन बेंजीन सल्फोन क्या है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है, जिसको हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं, तो ये जो हमको देता है सल्फोनामाइड, वो सल्फोनामाइड सॉल्युबल इन NaOH और KOH रहता है ना, स्ट्रॉन्ग एल्कली में सॉल्युबल होता है। आ गया बस समझ में, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन हो गया, प्राइमरी ये हो गया हमारा प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अब जो है सेकेंडरी अमाइन लेंगे, अब हम लोग सेकेंडरी अमाइन ले लेंगे, हो गया सेकेंडरी अमाइन, हो गया ना। ठीक है, अब इसमें ऐसे नहीं हाइड्रोजन है ही नहीं है, ये भी तो सल्फोनामाइड ही है। ये हो जाएगा एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन गया, इन सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अब इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, नाइट्रोजन के पास, जिसको वो H प्लस के रूप में रिलीज कर सके, क्योंकि ये बेस है, ये एसिड का काम करेगा तभी तो रिएक्शन होगा, तभी ना सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट एंड वाटर कैसे बनेगा, एसिड बेस के रिएक्शन में बनेगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसको एसिड बनना चाहिए, ठीक है। आया बात समझ में, तो यहाँ तो H प्लस ही नहीं रिलीज करने के लिए, जो इसके वो H माइनस को रिमूव कर सके वाटर के रूप में, तब रिएक्शन होगा नहीं होगा। यानी सेकेंडरी अमाइन से जब रिएक्शन होता है तो हमको मिलता है एन एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होता है, मतलब रिएक्ट नहीं करता है। तो डिफरेंशिएट हो गया प्राइमरी सेकेंडरी में, और टर्शियरी में ये रिएक्शन ही नहीं होता है। अब टर्शियरी में क्यों नहीं रिएक्शन होगा, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए कम से कम एक हाइड्रोजन तो चाहिए ही रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि हमको रिएक्शन कराना है तो इस Cl- को रिमूव करना है, इस Cl- को रिमूव कौन करेगा, H रिमूव करेगा। तो अगर हम टर्शियरी दे देते हैं तो ये बनेगा, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए ना H प्लस, H प्लस हटाना होगा ना, CH3 तो रिमूव नहीं होगा, ये यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये Cl- रिमूव हो गया, तो इस Cl- को कैप्चर कोई करेगा तब तो, इस Cl- जो यहाँ से रिमूव होगा उसको कोई कैप्चर करेगा तभी ना, तो नहीं होगा रिएक्शन, है ना। तो क्या हो गया, नो रिएक्शन। टर्शियरी में क्या हो गया, नो रिएक्शन। तो डिफरेंशिएट हुआ कि नहीं, अगर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से कोई रिएक्शन नहीं होता है अमाइन का, इसका मतलब है टर्शियरी अमाइन, ठीक है।
रिएक्शन होता है एन डायल्काइल सल्फोनामाइड बनता है जो वह जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होता है तो सेकेंडरी एमाइन है, ठीक है। और अगर एन अल्काइल सल्फोनामाइड बनता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा प्राइमरी एमाइन, ठीक है। आई बात समझ में? ये तो है ही। इसके अलावा एक और रिएजेंट आजकल यूज करने लगा है, समझ गए? रिएजेंट यूज करने क्या लगा है, यहाँ पर जो है CH3 को इंट्रोड्यूस कर देता है तो ये रिएक्शन और आसानी से हो जाता है, बस इतना ही करना है, ठीक है। ये है पैरा ऑर्थोमेटा, पैरा है ना, पैरा टॉलुइन, पैरा टॉलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड आजकल इससे अब कराने लगा, बेंजिल सल्फोनाइल के बजाय पैरा सल्फोनाइल क्लोराइड, है ना। उसका मेन रीजन क्या है कि ये जो और इससे जो है रिएक्शन क्या होता है, जल्दी होता है, आसानी से हो जाता है। मिथाइल से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पैरा पोजीशन पर, तो ये रिएक्शन जो है और अच्छे से जल्दी से होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आजकल इंडस्ट्री में इस को प्रीफर करने लगा है, पैरा टॉलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। मैकेनिज्म वैसे ही है, कुछ करना ही नहीं है, खाली CH3 यहाँ लिख देना है और क्या। तो जहाँ जहाँ ये बेंजीन रिंग जाएगा वहाँ बगल में CH3 लिखा रहेगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होने वाला है, उतना ही चेंज होगा, ठीक है। आ गया समझ में? क्योंकि इससे रिएक्शन जल्दी और आसानी से होता है, इसीलिए अब इस रिएजेंट को फॉलो किया जाने लगा है, ठीक है। आ गया समझ में? क्लियर? तो जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो हमको थोड़ा सावधानी रखना होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो ब्रोमीन लिक्विड है ऑर्थो एंड पैरा दोनों पर अटैक करेगा, तो मान लो कि हम यहाँ पर कोई प्रिकॉशन नहीं लिए, कॉन्सेंट्रेटेड ब्रोमीन लिक्विड ले लिए, तो ब्रोमीन लिक्विड जो है पहले ब्रोमीनियम आयन में कन्वर्ट होगा और ये साथ में बना देगा, ठीक है। और क्या करेगा ये, और ये जब रेजोनेंस हम सिखाए तो वहाँ पर बताएं कि ऑर्थो दोनों ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और पैरा पर डेवलप होता है, तो वो सब जगह जो है ये ब्रोमीनियम आयन अटैक करेगा, एक साथ अटैक कर देगा सब जगह, समझ गया। ठीक है, तो ट्राइब्रोमो एनिलीन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, तो हो गया 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, हो गया 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन हो गया। अब मालूम ही है जब ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा तो एक एच निकलेगा, निकलेगा कि नहीं, तो यहाँ 3 एच निकलेगा, इससे यहाँ पर 3 ब्रोमाइड आयन लगेगा, ब्रोमीनियम आयन 3 लगेगा, तो 3 लगेगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर 2 से 1 मिल रहा है तो 6 लेना पड़ेगा, ये समझ गया कि नहीं, आई बात समझ में? तो खैर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सब यहाँ भी 3 नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, बस इतना दिखाना है ये सब जो यहाँ हुआ यहाँ से H प्लस निकलेगा, वो H प्लस वापस इससे कंबाइन करेगा और ब्रोमीन लिक्विड वापस रीजेनरेट हो जाएगा और थोड़ा सा HBr बन जाएगा। H प्लस जब इससे कंबाइन करेगा तो 1 ब्रोमाइड आयन को खींच लेगा, HBr बनेगा और थोड़ा सा वापस फिर से ब्रोमीन लिक्विड रीजेनरेट कर जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर? अब है कि ये तो हो गया कि सब जगह, अब हमको चाहिए ऑर्थो या पारा बनाना है, तब हम क्या करेंगे। ये तो ऑर्थो पर भी हो गया, पैरा पर भी हो गया ना, हेवीली सब्स्टिट्यूटेड हो गया, तब हम कैसे बनाएंगे, हमको चाहिए ऑर्थो पर या पैरा पर सिर्फ,
यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन एक ही चाहिए, या तो ब्रो ऑर्थो ब्रो या पैरा ब्रो, तब कैसे कराएंगे? अभी तो प्रॉब्लम ये है कि ये तो NH2 ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इतना एक्टिव है कि वो सब ये जो तीनों पोजीशन है उसको हाईली एक्टिव बना देता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है इस तीनों ही पोजीशन का। तो हमको इस तीनों पोजीशन का जो एक्टिविटी है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसको इतना ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यही रेस्पॉन्सिबल है ना, तो इसके एक्टिविटी को सप्रेस कर देते हैं, इसके एक्टिविटी को सप्रेस कर देंगे, इसको हम इसके एक्टिविटी को रिड्यूस कर देंगे, तब हम कर पाएंगे। तो उसके एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए हमको एसाइलेशन कराना पड़ेगा। कल या परसों एसाइलेशन पढ़ाए थे है ना, इसका हम एसाइलेशन कराएंगे। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, एसाइलेशन कराएंगे। एसाइलेशन का मतलब क्या हो गया, CH3 COCl से रिएक्शन कराएंगे या एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, इसी से रिएक्शन कराएंगे, इसी दोनों में इसको एक ना, तो हमें आसान पहला ये है तो वही रखते हैं, ठीक है हा? तो एसाइलेशन होता है, क्या होता है, ये जाकर के यहाँ जुड़ जाता है, एसाइलेशन जब होगा तो ये Cl निकलेगा, COCH3 ग्रुप जो है जुड़ जाएगा, एक H रह जाएगा है ना, यही ना होगा, ये बनेगा। अब क्या है, ये जो CO ग्रुप है ना, इसमें ये इसका एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा, कैसे रिड्यूस कर देगा, ये तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, CO ग्रुप ना, पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा, यहाँ पर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, आसानी से ये शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर ये क्या करेगा कि इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देगा, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा, तो ये ग्रुप इनएक्टिव हो गया कि नहीं, तो हम पहले एसाइलेशन करा देंगे, एसाइलेशन के बाद हम जो है ब्रोमिनेशन कर देंगे, तब ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर करेगा, पैरा जो है ज़्यादा बनेगा ऑर्थो कम बनेगा, तो हम पैरा दिखा देंगे ऑर्थो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऑर्थो बहुत कम बढ़ेगा, 2-3% बनेगा, ठीक है, आया बात समझ में। अब जा करके इसको जो है हम ब्रोमिनेशन कर देंगे, तो मैकेनिज्म तो मालूम है कि कैसे क्या करना है, तो हम मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कितनी बार बता चुके हैं, ठीक है। तो पैरा पर जो है हो गया, समझ गए, और जो H निकलेगा, H+ निकलेगा ना यहाँ से, वो H+ इससे कंबाइन करके HBr बनेगा और ब्रोमीन लिक्विड रीजनरेट होगा फिर से, लेकिन ये एनिलिन तो नहीं है ना, फिर से वापस इसको एनिलिन में कन्वर्ट करना है, तो इसका कुछ नहीं हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, H+ अटैक करेगा और ये टूट जाएगा, यहाँ एसिटिक एसिड बन जाएगा, ये टूटेगा ना, ये H+ और ये OH- बनेगा, तो ये जो H+ यहाँ अटैक करेगा, ये वाला H+ यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज तो इस बॉन्ड को तोड़ देगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, आई बात समझ में। तो H+ जो है यहाँ अटैक करेगा और OH- यहाँ अटैक करेगा, तो HCH3COOH बन जाएगा ना, और वापस से एनिलिन बन जाएगा, दूसरा एच आ गया ना, तो पैरा ब्रोमो एनिलिन बना, पैरा ब्रोमो एनिलिन बना, ये मोर देन 95% बनेगा, और ऑर्थो भी हम दिखा सकते हैं यहाँ पर,
ठीक है ना, वो कम बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट जो है हम उसको दिखा दिए, माइनर प्रोडक्ट को नहीं दिखा। बनेगा तो ऑर्थो एंड पैरा दोनों, लेकिन अलग अलग बनेगा। इसमें ऑर्थो पैरा सब एक के साथ हो जाएगा, है ना। यहाँ बनेगा ऑर्थो बनेगा, थोड़ा बहुत ऑर्थो बनेगा और मैक्सिमम पैरा बनेगा। तो हम मेजर को दिखा दिए, माइनर को हम नहीं दिखाए। क्लियर समझ में आया है? तो ये हो गया हमारा एक ब्रोमिनेशन। उसके बाद और भी है, आगे पढ़ेंगे।